हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कि हमें यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाना है, कैसे वीडियो अपलोड करनी है, और कैसे पेड एड लगानी है, और कैसे हम यूट्यूब को अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हमारा चैनल है सीसीएम बाला का, इसे लॉग आउट करते हैं। देन साइन इन करते हैं। देन मैं चैनल बनाता हूँ। चैनल बनाने के लिए पहले मुझे चाहिए एक ईमेल आईडी। आपको ईमेल आईडी दिखाता हूँ कैसे बनती है। ठीक है, क्रिएट कर रहे हैं फॉर माई सेल्फ। मैं क्रिएट कर देता हूँ फर्स्ट नेम रजत शर्मा, लास्ट नेम शर्मा, देन ईमेल, योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे ही। अभी कोई मेल नहीं है इसमें। ये भी नहीं है। क्रिएट अ न्यू ईमेल। हाँ, ये मेल चल जाएगी। अब मैं पासवर्ड रख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड रख लिया। देन नेक्स्ट, देन यहाँ फ़ोन नंबर डल जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ। December 1997 आ गई। आप यहाँ अपना ये डाल लोगे डेट ऑफ बर्थ का। जेंडर मेल अपने उससे डाल लोगे, आप मेल हो या फीमेल हो। देन सेंड। अब इस जो भी आपका नंबर है इस पे ओटीपी आएगा एक। जीरो एट थ्री टू थ्री एट, ये आपके इस मोबाइल में आएगा। जो आप नंबर डालोगे उस पर आएगा ये ओटीपी। यस आई एम। देन ये टर्म्स एंड कंडीशन पूछेगा। देन आपको नीचे करके आई आ गई। ये आपका हो गया एक YouTube का चैनल क्रिएट। अब इस पर मैं सिखाता हूँ कि आपको चैनल कैसे बनाना है। क्रिएट अ चैनल पे जाना है पहले। देन गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। देन ये पूछ रहा है यूज़ योर नेम, यूज़र कस्टम नेम। मैं ये कर देता हूँ यूज़र कस्टम नेम। जैसे मैं अपने चैनल का नाम रख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। आई अंडरस्टैंड डैट आई एम क्रिएटिंग ए न्यू।
गूगल अकाउंट, इट्स ऑन सेटिंग, ठीक है। देन क्या होगा, यहाँ पे भी ये चैनल के लिए वेरिफिकेशन के लिए नंबर डालना पड़ेगा। देन दोबारी कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, दोबारी तुम्हारे पास ओटीपी आएगा। देन कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। ये हो गया आपका चैनल। देन ये आएगा अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ पे आप अपने अपलोड के लिए जो भी आप प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहते हो वो आप डाउनलोड कर लोगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। बट आप अपना डाउनलोड करके उसको बनाकर ये डाल लोगे, जैसे मैंने ये डाल दिया फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। चैनल के यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल दोगे, ठीक है। यहाँ वेबसाइट का यूआरएल है, तो तुम्हारा जैसे हमारी वेबसाइट है ये, सीसी अम्बाला एडमिन, सॉरी सीसी अम्बाला, सीसी अम्बाला नहीं है, सॉरी सीसी डिजिटल डॉट कॉम। जैसे वेबसाइट है हमारी, तो हम यहाँ से लिंक कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, अभी ओपन हो रही है। यहाँ पे हम वेबसाइट का लिंक डाल देंगे। देन यहाँ पे आप फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का लिंक डाल के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन ये आपका चैनल क्रिएट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, आपको मैं सिखाता हूँ कि आपको वीडियो कैसे अपलोड करनी है। देन आप प्लस पे क्लिक करके अपलोड अ वीडियो पे क्लिक करोगे। देन सिलेक्ट अ फाइल्स पे क्लिक करोगे। देन इस पे आपने जैसे कोई वीडियो जहाँ भी होगी लोकेशन वहाँ से उठाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ से उठाई। देन ओपन पे क्लिक करोगे, देन ये सब आपके सामने अपलोड हो जाएगी। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले टाइटल दोगे कि वीडियो आपकी किसके ऊपर है। जैसे मैं डाल देता हूँ, यूट्यूब प्रमोशन के ऊपर डाल देता हूँ। देन स्लैश ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि आपकी वीडियो में जो भी है समथिंग, कि जैसे वीडियो की कैसे प्रमोशन होती है यूट्यूब की, उसका जो भी आपका होगा वो यहाँ पे प्रोसीजर आ जाएगा सब, ठीक है। डिटेल में जैसे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब का, यूट्यूब प्रमोशन, कंटेंट, मेक कंटेंट ऐसे, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन लिख दोगे इसके बारे में जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है। यहाँ आ जाएगा थंबनेल, जैसे इसमें है,
थंबनेल में फ्रंट में ही लगा लूँ, नहीं तो आप यहाँ से क्या करोगे, अपलोड थंबनेल पे जाओगे, ठीक है, टू ऐड कस्टम थंबनेल फर्स्ट वेरीफाई योर फोन नंबर, वेरीफाई थंबनेल लगाने से पहले आपको फिर फ़ोन नंबर अपना वेरीफाई करना होगा। इससे क्या होगा कि आपका सारा वेरिफिकेशन एक बारी में ज़रूर मांगेगा ये, देन आपका फिर दोबारा वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा। जैसे मैं डाल देता हूँ, अब उस पर वेरिफिकेशन कोड जाएगा, ये हो गया वेरीफाई, ठीक है। आप ठीक है, अब वेरीफाइड हो गया तो आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आपने अपना थंबनेल जहाँ भी डाउनलोड किया होगा उसके ऊपर ओपन करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, देन ओपन करोगे, देन यहाँ पे आपका थंबनेल आ जाएगा। थंबनेल बेसिकली क्या होता है कि जो आपका फ्रंट पेज होता है, जो मतलब कि आपकी वीडियो के फ्रंट में शो होगा, उसको थंबनेल कहते हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप प्लेलिस्ट बनाना चाहते हो, कौन सी प्लेलिस्ट बनाना चाहते हो, आप यहाँ से प्लेलिस्ट बना सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा, देखो लिखा हुआ है यस इट्स मेड फॉर किड, नॉट इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। इसमें क्या करोगे आप, यस इट्स मेड फॉर किड्स कर सकते हो या नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, ठीक है, दोनों में कर सकते हो, या एज सेक्शन में जाकर ठीक है, नो डो डो नॉट रिस्ट्रिक्शन माई वीडियो टू व्यूअर ओवर 18, यस रिस्ट्रिक्शन माई वीडियो टू व्यूअर ओवर 18, ये हमारे किसी के लिए भी नहीं है। देन ये नेक्स्ट करके यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर आप यहाँ से, आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप ये ले लेते इसी यस इट इज़ मेड फॉर किड्स, देन आप यहाँ पे एड स्क्रीन नहीं लगा सकते थे और ना एड कार्ड कर सकते थे, ठीक है। ये आ गया एड एंड एंड स्क्रीन, यहाँ से आप अगर आगे चाहते हो कि वीडियो के एंड में कोई स्क्रीन लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, मतलब वैसे ही जैसे मैंने अपलोड में बताया था आपको, वहाँ से आप सॉरी ऐड पे क्लिक करना है। ये आ गया, ये तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप एंड में जहाँ भी लगाना चाहते हो या पूरा लास्ट में जाकर, ठीक है, वो कर सकते हो, ठीक है। और ऐड स्क्रीन ये होता है आपका ऐड कार्ड, मतलब क्या होता है कि जो आप वीडियो ओपन करते हो कभी भी, मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाई देता हूँ साथ में, आप कभी भी एक वीडियो ओपन करते हो, ये देखो ये आ गया, यहाँ पे क्या होता है कि आप वीडियो दे सकते हो अपनी अलग से अलग, जो आपकी पुरानी वीडियो है वो भी आप अपने, इससे क्या होगा कि आपके अगर कोई कस्टमर या कोई व्यूअर आपके सब्सक्राइबर आपकी वीडियो देख रहे हैं, देन वो आगे अगली वीडियो भी देख सकता है, ठीक है। देन आ जाता है आप क्या करना चाहते हो, प्राइवेट करना चाहते हो, अनलिस्टेड करना चाहते हो, पब्लिक करना चाहते हो। प्राइवेट में क्या होता है कि ओनली यू एंड पीपल यू चूज कैन वॉच योर वीडियो, प्राइवेट में वो देख सकते हैं सिर्फ जो हम चाहते हैं वही, अनलिस्टेड में एनी वन विद द वीडियो लिंक कैन वॉच योर वीडियो। अनलिस्टेड में क्या होता है कि आप वीडियो का लिंक दोगे सिर्फ वही बंदे आपकी वीडियो को देख सकते हैं। पब्लिक में क्या होता है, हर कोई आपकी वीडियो को वॉच कर सकता है, इसके लिए आप पब्लिक रखोगे, शेड्यूल लगाना चाहते हो कि इस डेट को इतने बजे मेरी वीडियो लॉन्च हो, तो आप यहाँ से शेड्यूल भी लगा सकते हो, ठीक है। देन ये आ गया शेड्यूल का, अगर रखना चाहते हो, जैसे आप शेड्यूल नहीं बनाना चाहते हैं, देन ये आप पब्लिश करोगे, देन ये वीडियो पब्लिक हो गया आपकी, यूट्यूब पे अपलोड हो गया है।
देन आप क्या करोगे, अब मैं सिखाता हूँ आपको एड लगाना मेरे एक चैनल पे, यूट्यूब एड्स का बनाओ, मैं वहीं से आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, पहले की तरह आपको सॉरी गूगल ऐड सर्च करना है, देन आपको गेट मोर मिनट, या क्या गेट मोर कस्टम विदीज ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है आपको। देन ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा, ये हो गया ओपन। ठीक है, देन अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो आपको साइन इन पे क्लिक करना है, पहले गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, देन आपको धीरे धीरे वो चीज़ें प्रमोट करनी स्टार्ट करनी है। आपको पहले गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, फिर आपकी आईडी बनेगी, जो सी आपकी जीमेल आईडी आपकी चल रही होगी इसी अकाउंट पे, जिस भी फ़ोन में या आप लैपटॉप पे करोगे जो आईडी चल रही होगी आपको वही आईडी डालनी होगी। ठीक है, देन आपको अगर आप आईडी बनाने के बाद देन आप वीडियो पे करोगे तो देन साइन इन करोगे, और आपको मैं एक फॉर्मेट ऐसा भी भेज दूंगा कि आप डायरेक्ट कैसे लिंक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये गूगल एड्स आ गया आपके सामने, ये देखो ये लिखा हुआ कैंपेनिंग, ये लिखा हुआ एड ग्रुप, एड एक्सेशन, वीडियो लैंडिंग पेज भी लगा सकते हो, कीवर्ड्स, ऑडियंस प्लेसमेंट, लेकिन सेटिंग्स, लोकेशन, ठीक है, डिवाइसेस, प्लस डिवाइसेस के बाद फिर आ जाता है एड शेड्यूल। ठीक है, ये सब कुछ परफॉर्मेंस टारगेटिंग कैंपेनिंग ग्रुप आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कुछ भी बना सकते हो, ऐड प्लस पे क्लिक करोगे, प्लस न्यू कैंपेनिंग, ये आपके सामने ओपन हो रहा है, ठीक है, देन आप यहाँ से कर सकते हो सेल्स चाहिए आपको, लीड के लिए चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसंट्रेशन चाहिए, ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, एंड रीच चाहिए, एड प्रमोशन चाहिए, क्रिएटर कैंपेनिंग विदाउट अ गोल, हम फिलहाल के लिए लेते हैं क्रिएटा कैंपेनिंग विदाउट अ गोल गाइडेंस। ठीक है, अब आप इस पे कर सकते हो सिलेक्ट अ टाइप कैंपेनिंग टाइप, सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, ऐप, स्मार्ट, मैं एग्जांपल के लिए वीडियो ले लेता हूँ, देन ये आ जाती है आपके सामने एड्स टाइप, सिलेक्ट अ कैंपेनिंग सब टाइप, इसमें आ जाती है कस्टम वीडियो कैंपेनिंग जो कि होती है कस्टमाइज योर ओन सेटिंग एंड स्किपेबल इंस्टाग्राम बम्पर एड्स और वीडियो डिस्कवरी एड्स। ठीक है, इसमें सब लग सकती हैं। उसके बाद आती है नॉन स्किपेबल स्ट्रीम एड, देन आती है शेयर योर इंटायर मैसेज विद अप टू 50 सेकेंड नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड, ये क्या होती है, 15 सेकेंड की एक ऐड आती है जो स्किप नहीं कर सकते आप। उसके बाद आती है आउट स्ट्रीम एड, इसमें कहता है रीच ऑफ पीपल ऑन देयर फोन्स एंड टैबलेट यूजिंग CPM बिडिंग विद आउट स्ट्रीम। ठीक है, आउट स्ट्रीम ऐड इसमें क्या करते हो, इसमें यह होता है कि आपकी जो आप कर लोगे कि आप इतने इतने व्यूज़ का इतने पैसे देना चाहते हो, इतने आपके जो पीपल आपकी जो वेबसाइट जिसको भी आप दोगे उसको रीच करेंगे आपके चैनल वीडियो को, देन आप इतने देने चाहते हो। उसके बाद रहता है ड्राइव कन्वर्जन,
इसमें कहते हैं गेट मोर कन्वर्जन विद वीडियो एड डिजाइन टू इंक्रीज वैल्यूएबल इंटरेक्टेशन विद योर बिजनेस। ठीक है, ड्राइव कन्वर्जेशन में आ जाते हैं, एड सीक्वेंस में आती है। एड सीक्वेंस एक बहुत तगड़ी एड है। ये एड जो है आपका चैनल ग्रो कर सकती है, सबसे इजी और सबसे हार्ड भी कह सकते हो, और सबसे आपके चैनल को ग्रो करने के लिए ये हेल्प कर सकती है आपकी। इसमें क्या होता है कि आप 1 2 3 4 5 5 वीडियो आपने एक साथ लगा ली, आप क्या कर सकते हो, पहले एक वीडियो लगाई, फिर दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी लगाई, पांचवी लगाई, पांचों लगा दी, देन आप सिक्वेंस से ऐड कर दोगे कि पहली इसको बंदे को दिखे तो इसको फिर दूसरी दिखनी चाहिए, अगर इसको डायरेक्ट दूसरी दिखी तीसरी दिखनी चाहिए, अगर तीसरी दिखी चौथी दिखनी चाहिए, तीसरी दिखी दूसरी दिखनी चाहिए। ये हम ऐड सिक्वेंस में लगा देते हैं। इससे हमारा प्रॉफिट क्या होता है कि पर्सन हमारी एक ना एक वीडियो को कंफर्म देखता ही है, उसके बाद वो उसको और भी वीडियो ऐड दिखाता रहता है। वो हमारे जैसे हम अगर ऐड लगाते हैं किसी ब्रांड के, वो बार बार एक ही ब्रांड को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। देन आ जाता है शॉपिंग ऐड, इसमें कहता है प्रमोट और रिलेवेंट प्रोडक्ट। ठीक है, समझ गए होंगे आपके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए है। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, कंपेनिंग का नाम लिख दोगे, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे कैंपेनिंग का नाम। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका स्ट्रेटेजी, आपकी बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। सबसे पहले आता है CPV, इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी कॉस्ट देना चाहते हो एक व्यू की। ठीक है, देन आता है टारगेट CPM। टारगेट CPM आता है कि कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन पे तुम कितने देना चाहते हो, 1000 इंप्रेशन अगर आपको मिले तो आप कितना देना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे आप टोटल बजट लगा सकते हो, जैसे मैंने लगा दिया फॉर एग्जांपल के लिए 2000। ठीक है, और डिलेट डेट मैंने कर दी आज की ही, आप डेली की भी लगा सकते हो, वो भी लगा सकते हो, डेट कितने दिन, इतने दिन की चाहिए। ठीक है, नेटवर्क्स में आ जाता है कि आप यूट्यूब पे सर्च रिजल्ट, यूट्यूब वीडियो, वीडियो पार्टनर्स ऑन डिस्प्ले नेटवर्क। ठीक है, इसमें ये ओपन नहीं होता है, इसका भी अलग अलग होता है सबका। ठीक है, CPM में क्या होता है, ठीक है, देन आप यहाँ से लैंग्वेज सेट कर सकते हो, यहाँ पे लैंग्वेज सर्च करके आप लैंग्वेज लगा सकते हो, देन यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, इंडिया, इंडिया में कहाँ की करना चाहते हो। ठीक है, जैसे इंडिया आ गई, एंटर, ये तो पूरी इंडिया की, आप यहाँ से अम्बाला की लगाना चाहते हो। ठीक है, ये जैसे मैंने डाल दी, दो आते हैं लोकेशन एंड रेडियस। रेडियस में क्या आता है कि आप तुम लगा, जैसे तुम्हारी एक फॉर्च्यून की दुकान है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे कस्टमर 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से नहीं आने वाला, तो तुम यहाँ क्या कर सकते हो, किलोमीटर में करके 5 किलोमीटर है, और यहाँ जगह है अपने, जैसे मैं लिख देता हूँ ठीक है, अम्बाला सिटी लिख दिया, यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी जो तो अपने पास ढूंढना चाहते हो, देन आप सेव पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, देन ये आपकी लोकेशन लग जाएगी कि आपकी जो ऐड है 5 से 7 किलोमीटर के बंदों को ही दिखेगी। देन आ जाते हैं इन्वेंट्री मेथड टाइप, ये स्टैंडर्ड में रखोगे तो ज़्यादा इजी एंड अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐड ग्रुप नेम लिख दोगे यहाँ पे, डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक या बेसिकली क्या चीज़ है, इसमें आप फीमेल, मेल, अननोन, ठीक है, इसमें आप जेंडर, एज डाल सकते हो, और जेंडर आपको कौन से चाहिए अपने प्रोडक्ट को या किसी भी चीज़ की ऐड करने के लिए,
और नंबर दो, आप एज कितने से कितने तक की, आपको चाहिए, पेरेंटल स्टेटस क्या चाहिए, हाउस होल्ड इनकम क्या चाहिए, ये सभी आप यहाँ से सर्च कर लगा सकते हैं। उसके बाद आता है ऑडियंस, यहाँ से आप ऑडियंस सर्च कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट ऑडियंस करके, ठीक है, यहाँ पे जैसे भी चल रहा है ऑडियो मैनेजर पे क्लिक करके आप ऑडियंस सेट कर सकते हो। ऑडियंस सेट करने के बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे जैसे ये देखो यूट्यूबर सब्सक्राइबर के लिए लिखा हो तो हम इसे ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, नहीं तो ब्राउज पे अगर इसमें से आ सकते हो हु दे आर, व्हाट दे आर इंटरेस्टेड एंड हैबिट आर, व्हाट दे आर एक्टिविटी रिसर्चिंग और प्लानिंग, हाउ दे, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन आप यहाँ पे ऑडियंस अपनी सेट कर सकते हो। अगर आपको ऑडियंस और अच्छे से सीखनी है तो आप हमारा यूट्यूब का डोमिनेशन का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी फीस ओनली 450 है और 25 डेज की आपके पास वीडियो आएंगी। देन आप यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर सकते हो। कीवर्ड सर्च करने के लिए आपको अगर यहाँ से देखो कीवर्ड डायरेक्टली नहीं आएंगे तो मैं इसके लिए आपको आसान तरीका बताता हूँ। टूल एंड सेटिंग पे जाओगे, ठीक है, ये रहा आपका कीवर्ड प्लानर। एक्चुअली मैं आपको ये एंड में बताता हूँ, वो चलो मैंने स्ट्रे कर दिया, उसके नीचे वो बेसिकली था, वो आपको वहाँ पे बजट सेट करना था, ठीक है, और देन उसे करना था। ये क्या गया कीवर्ड प्लानर, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट डिस्कवर न्यू कीवर्ड। यहाँ पे आप लिख दोगे मोटिवेशनल, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आप कर लोगे, यहाँ पे आप एंटर डोमेन टू यूज अ फिल्टर, कोई वेबसाइट है आपकी आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो, ठीक है। देन आपको मैंने बता ही दिया कि कैसे ऐड लगानी है, ठीक है, ऐसे ही उसमें सिंपल सा तरीका है। एक मैं आपको जल्दी जल्दी मैं ऐड का ही बता देता हूँ। कीवर्ड आ गया, उसका टॉपिक्स आ गए, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो कि आपके टॉपिक क्या है, आर्टिस्ट में है वीडियो, आप यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके टॉपिक्स क्या है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री है, लिटरेचर है, आप यहाँ से कर सकते हो। प्लेसमेंट, यहाँ से आप प्लेस भी ढूंढ सकते हो कि आप कहाँ पे लाना चाहते हो, यहाँ पे आप सर्च वर्ड लिख सकते हो, फ्रेज URL भी लगा सकते हो, वीडियो की ID भी लगा सकते हो प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। बिडिंग स्ट्रेटेजी मैक्सिमम CPV, बिडिंग में लगा देता हूँ 100,000, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे आप, वीडियो अगर आपने बनाई होगी उसका URL लिंक लगा देना जो आपकी वीडियो वहाँ पे शो होगी, देन क्रिएट अ कैंपेनिंग कर देना, देन ये आपका क्रिएट हो जाएगा। ये मेरे को दोबारा से फिल करना पड़ेगा, आपको जो मैंने इजी तरीका बताया वैसे आप करोगे, देन क्रिएट अ कैंपेनिंग करोगे, आपका जो ऐड क्रिएट हो जाएगी। देन आपको अच्छे से अगर बिलिंग के लिए बोले, बिलिंग का मैंने पहली वीडियोस में यूट्यूब के डोमिनेशन कोर्स में आपको वीडियोस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। थैंक यू एंड सो मच, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब का डोमिनेशन का कोर्स सीखना चाहते हैं, 450 उसकी ओनली फीस है, देन आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।